अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आपको एक खबर दिखाया था कि सुपेला के लाइफ केयर के ठीक बाजू में एक अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें दो लेबर बाउंड्री के गिरने से बाउंड्री में दब जाते हैं और गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। एक दुखद समाचार है कि जो महिला थी उसकी जान चली गई है और उसे मर्चुरी में शिफ्ट कर दिया गया है, और जो साथ में एक और लेबर थे जो गंभीर रूप से घायल तो हमारे साथ मौजूद हैं, इनका पैर फ्रैक्चर बताया जा रहा है, पैर फ्रैक्चर इनका, पैर टूट गया आपका। तो भैया आपको बहुत चोट लगा है, माफ़ी चाहता हूँ कि बात करूँ आपसे, हाँ थोड़ा सा बात करूँगा, क्या कुछ हुआ तो विस्तार समझाएंगे। हम लोग जो काम कर रहे थे ना, ऐसी दीवार है बहुत ऊंचा, उसके नीचे में और गड्ढा खोदा हुआ है। मैं वहाँ पे गया हुआ था, देख कर रहा हूँ। काम कर रहे थे हम लोग, मैं धुम्मस चला रहा था और लेडीज जो है ना फावड़े से ना माल खींच रहा था, फिर वो दीवार गिर गया सर हमारे ऊपर। कुल कितने मजदूर थे जो वहाँ पे काम कर रहे थे? गिनती तो नहीं किया हूँ सर मैं, फिर भी अनुमान के तौर पे 30-40 मजदूर शायद थे। जी हम लोग नहीं 20 लेबर थे वहाँ पे, 20-25 लेबर आप लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। हाँ जी। तो जब बाउंड्री की तो उस वक्त आप दो लोग वहाँ मौजूद थे? नहीं, वहाँ पर ना और भी थे, लेकिन बाउंड्री के वो उधर से काम कर रहे थे और जो गिरा ना उस तरफ का हमारा हम लोग काम कर रहे थे। बाउंड्री जो गिरी उसकी चपेट में आप दो लोग आए, वो बाकी लोग दूर, बाउंड्री थोड़े से दूर थे। हाँ, जो मिक्सर जो मशीन है ना सर उधर थे वो लोग। जैसे मैं वहाँ मौके पे गया हुआ था, जैसे ये एरिया है, वहाँ पे आप लोग मिट्टी हटा रहे थे, वो सटा हुआ एक बाउंड्री बना हुआ है, तो एक तो मन में डर तो रहा होगा कि यार वहाँ पे खोद रहे हैं तो बाउंड्री गिर सकता है, तो ठेकेदार ने कोई सूचना दी आपको कि यहाँ काम इतना खोदना है इतना नहीं खोदना है, कुछ बताया था आपको? नहीं बताया सर, नहीं बताया थे। नहीं, कहाँ से आए आप लोग काम करने के लिए? हम चुई खदान से आए, खैरागढ़ चुई खदान, छत्तीसगढ़ से आप लोग। वो जो एक महिला है जिनका देहांत हो गया है, वो कहाँ से आई हुई थी? बालाघाट से। वो MP बालाघाट जिला का MP से काम करने आई हुई, तो वो रहती कहाँ पे थी? हमारे ही साथ में रहते थे वहीं पर। तो वहाँ पर जो एक टेंट नुमा बनाया गया है, जो वहीं पर रहते थे, वहीं पर रहते हैं। तो गलती किसकी है, किसकी गलती समझते हैं आप इसमें? ठेकेदार और सुपरवाइजर की ही सर, जो उतना गड्ढा। अभी जब आप ये हादसा हुआ, हादसे से आप ग्रस्त हुए, तो वहाँ पर ठेकेदार मौजूद था? ठेकेदार भी नहीं था, सुपरवाइजर भी भाग गया था सर। अच्छा, जब हादसा जब हुआ तब वहाँ मौजूद थे? वहाँ हादसा होने के बाद ना सुपरवाइजर था ना सेठ था। वहाँ पे हादसा होने के बाद भाग गया या फिर वहाँ मौजूद ही नहीं थे वो? हाँ, भाग गया तो मौजूद नहीं थे वो वहाँ पे, नहीं था। नहीं, जब हादसा हुआ मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे बाउंड्री जब गिरी उस वक्त वहाँ ठेकेदार था? नहीं, ठेकेदार नहीं था, सुपरवाइजर था, लेकिन वो भाग गया था। अच्छा, सुपरवाइजर जब देखा बाउंड्री गिर गई तो वहाँ से वो भाग गया। क्या नाम है सुपरवाइजर का? क्या नाम भैया? मालूम नहीं। परमेश्वर साहू नाम है। हाँ, परमेश्वर सर। जी जी सर, वहाँ गया हुआ तो वहाँ मुझे मालूम पड़ा। ठेकेदार का नाम क्या है? पवन पात्रे। तो आप लोगों को सूचना नहीं दी गई थी कि यहाँ पे इतना खोदना है इतना नहीं खोदना है, और बाउंड्री गिरने की आशंका भी वहाँ पे पहले से ही थी? हाँ। तो क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए आपके लिए? इलाज सर, मुआवजा मिल जाए। मैं तो, मेरा पैर तो चले गया, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं मेरे पैर के इलाज हो जाए और मेरे को कुछ मुआवजा मिल जाए। जो भी वो जो महिला खत्म हो गई है, उनके भी दो छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे सर, उनके बच्चे तो दूध पी रहे सर, उनके बच्चे दूध पी रहे हैं सर। सबसे परेशानी उस बच्चे का है जो दूध पी रहा है, वो बिना माँ के बिना नहीं रह सकता सर वो। उनके जो पति हैं वो वहाँ पे आए कि नहीं आए वो? हाँ, वो भी है सर, काम कर रहा था, वो भी बेचारा काम कर रहा था। साथ में काम किया करते थे? हाँ, पति पत्नी। हाँ, पति पत्नी काम करते थे वो भी। क्या नाम लिखते हैं भैया आप? उसका पति का? नहीं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनहरन सिंह नेताम है सर। पूरी कोशिश करेंगे हम लोग कि आपको मुआवजा मिले और आपका इलाज हो। तो ये जो मजदूर हैं जो यहाँ पे काम कर रहे थे, और जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले खबर दिखाया था कि दो मजदूर बाउंड्री गिरने से चपेट में आ गए और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और वहाँ बातचीत हमने की, उस बातचीत में हमें लग भी रहा था और वहाँ के लोग कह भी रहे थे कि जो हादसा है वो बहुत गंभीर था, जान बचना बड़ा मुश्किल है, और जो महिला थी उसकी जान चले गई है, उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपने देखा ही था, वो वीडियो में रो रहे थे, अपनी माँ को याद कर रहे थे, उनकी जान चले गई है, उन्हें मर्चुरी में शिफ्ट कर दिया गया है। और एक और मजदूर हैं जिनकी टांग जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है, टांग की हड्डी टूट गई है, और साफ तौर पर इनका मांग है कि इन्हें मुआवजा दिया जाए, और इन मुआवजा देना चाहिए, और इनका जो इलाज है वो जो ठेकेदार है या जो सुपरवाइज़र है वो करें। और मज़दूर ने बताया कि उस वक्त जब हादसा हुआ तो वहाँ पर सुपरवाइज़र मौजूद था, मगर जैसे ही उसने देखा कि बाउंड्री गिर चुका है, मज़दूर घायल हो चुका है, तो वहाँ से वो रवाना हो जाता है। क्या कुछ इस मामले में अपडेट रहेगा आपको हम दिखाते रहेंगे, देखते रहिए KP News। धन्यवाद।